मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर द्वारा नवीन एकीकृत मंडलीय कार्यालय मुक्ताकाशी मंच निर्माणाधीन प्रेक्षागृह एवं वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार, मुख्य अभियंता विकास प्राधिकरण, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग और उपायुक्त स्टाम्प क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नवीन मंडलीय एकीकृत कार्यालय में सम्मिलित होने वाले मंडल स्तरीय विभागों उनकी आवश्यकता के अनुसार तल एवं स्थान आवंटित करने पर विचार किया गया। नवीन मंडलीय कार्यालय हेतु चिन्हित भूमि उप श्रमायुक्त कार्यालय में अवस्थित भवन के ध्वस्तीकरण करने तथा परिसर में स्थित छोटे बड़े 216 वृक्षों के पातन के संबंध में वन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया। प्रस्तावित भवन का विस्तृत DPR तैयार करने हेतु शीघ्र प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्तावित भवन ग्रीन क्लीन एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार ही निर्माण किए जाने पर बल दिया गया। मुक्ताकाशी मंच पर बीडिंग प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण करते हुए स्थानीय साहित्य एवं रंग कर्मियों को यथोचित दर पर प्रयुक्त करने हेतु निर्देश दिया गया। प्रेक्षागृह हेतु समस्त कार्य आगामी 2 सप्ताह में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कार्य दिनांक 31 मार्च तक पूरा करते हुए पर्यटन विभाग को इसे अप्रैल माह में पूर्ण रूपेण गुणवत्तापूर्ण क्रियाशील करने के निर्देश दिए गए। सर वो बता सकते हैं या फिर हम लोग जो हमारे प्रतिभागी सर हमारी बैठक में टारगेट था सर उसका अनुपालन आख्या नहीं। हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर आपको हम लोग की मदद की आवश्यकता है उसको कर लें, बाकी प्रेजेंटेशन तो बाद में भी देखा जा सकता है। इंडिया की क्या स्थिति है सॉइल टेस्टिंग एंड अदर चीज़ों की? सर बाकी प्रोसेस में हमारे सारी चीज़ें आ गई हैं, सॉइल टेस्टिंग हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है। इसमें बस एक छोटी सबमिशन मिल जाती है कि हम 7वां फ्लोर पूरा बना देते हैं, या तो उसके लिए अटैच परचेज करना पड़ेगा या तो हमें थोड़ी सी जमीन और चाहिए। जमीन जमीन में क्या ये रिस्ट्रिक्शन है क्या जो ये मानक इनका का पीडीए में अगर जीरो है रिलैक्सेशन है उस पर? इट इज गवर्नमेंट बिल्डिंग ना, आप कमर्शियल के साथ प्योरली गवर्नमेंट, इसमें बस केवल आपका जो भूकंप जो जो सर मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन आप जैसा कहें तो चेक करिए ना कि क्या हम लोग लगे तो इसलिए हम फैक्ट्री तो विदिन नॉर्म सी तो ऐसे आपने बढ़ाने का इसमें ले आए हैं 1 पढ़ सकता है और पढ़ जाएगा बोर्ड में पास कर सकते हैं सर। हम यही ले रहे हैं समिति से करा के हम करने को सर। हां ठीक है, समिति से करा के बोर्ड में जितना कंसीडर कर सकते हैं कंसीडर कर दीजिए और वो है ठीक है ना। और बताए मंडल समिति के सामने कब लाएंगे आप ड्राफ्ट DPR? देखिए मेरा मानना ये है निर्देश के अनुसार हमें ये यहाँ से अप्रूव करके आशीष ऊपर भेजना पड़ेगा। सर ड्राफ्ट DPR में सर मैं दो दिखाना चाहूँगा सर, पहले तो इनको सर सॉइल टेस्टिंग DPR बनाएंगे, DPR को वेट कराना है इनको IIT से सर। ओके IIT से कराएंगे, MIT से नहीं करा सकते? नहीं सर उसमें जो कंडीशन है वो IIT NIT से ही है। ओके तो इनको IIT तो हमने IIT रूटी कर दी वो सिविल इंजीनियरिंग में सर अच्छा करता रहा सर, तो उसमें अब ये 3 प्रोसेस हमें करने हैं। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी अवेटेड है, सॉइल टेस्टिंग से इन्होंने 5 होल हो गए सर, 5 होल हो गए हैं, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है, 10 दिन का देश बहुत क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि आप शिलान्यास कराइए, बहुत विलंब करिए, बट हम शिलान्यास उनके उनका दूसरा निर्देश ये भी है कि शिलान्यास का मतलब कि हमें नेक्स्ट डे से काम शुरू करना है, शिलान्यास करा के पत्थर नहीं लगाना है। अब इसलिए हमें सारी कार्रवाई उस हिसाब से करने की आवश्यकता है, तो FAR का इशू आपका रिजॉल्व हो गया, विभागों को जितना समायोजित उनकी डिमांड कर सकते हैं कर दीजिए, सो दैट दे आर सेटिस्फाइड एंड एक पॉजिटिव वो रहे, सकारात्मक रूप से लोग आगे बढ़े। एक दूसरा इसमें आशीष यदि आप जो भी ड्राफ्ट DPR ये चीज़ें आप बता रहे हैं इसमें अड़चन क्या आ रही है मुझे ये बताएं, क्यों हम लोग एक टाइमलाइन फिक्स कर लें तो आप ड्राफ्ट DPR देने में क्या प्रॉब्लम है? सर मैं ड्राफ्ट DPR के लिए क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर की बैठी अच्छा, सॉइल टेस्टिंग की आपकी रिपोर्ट कब तक आएगी? सर 10 दिन का समय उन्होंने मांगा है, 10 दिन में देंगे। 10 दिन में देंगे, आज से 10 दिन? हाँ आज से 10 दिन। और उसके बाद IIT रुड़की यदि आप भेजेंगे तो वहाँ भी टाइम लगेगा? सर 10 दिन के बाद अभी उन्होंने टॉप से तो डिजाइन का काम शुरू कर दिया है, स्ट्रक्चर डिजाइन का काम लेकिन इन राइटिंग में कहीं कोई चीज नहीं है तो उसके विचार करना है कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग कर रहे हैं तो एक कंसल्टेंट की बात हुई है जिनको हमने सारी अपनी डिटेल्स भेज दी है,
मेजर फ्लक्चुएशन वो ग्रीन बिल्डिंग के कारण आता है, क्योंकि सर नॉर्मल कोर्स में मेरे ग्लास नहीं यूज होंगे, ब्रिक्स नहीं यूज होंगी, और भी बहुत सारी।